क्या फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का पलटी मारने का इतिहास रहा है, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ, कभी सेक्युलरिज्म का भाषण तो कभी एनडीए के साथ शामिल हो जाना। इस बीच इंटरनेट पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसे दिखाकर कहा जा रहा है कि अगर यही हाल रहा तो नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर आज के इस वीडियो में। दिनांक 4 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली जमुई के खैरा में हुई। बता दें कि इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी के हिसाब से कांग्रेस और राजद ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। इस रैली की एक तस्वीर लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल पीछे खड़े हैं, वहीं सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री के ठीक बगल में खड़े होकर उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट कर रहे हैं और बगल में ही चिराग पासवान भी खड़े हैं। नीतीश कुमार का तस्वीर में पीछे खड़ा होना इस को दर्शाता है कि एनडीए में नीतीश कुमार की क्या अहमियत है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। आइए अब जानते हैं नीतीश कुमार ने अभी तक कितनी बार पलटी मारी है और क्या इतिहास रहा है नीतीश कुमार का पलटी मारने में। नीतीश कुमार ने 2013 में पहली बार एनडीए को छोड़ा और अकेले ही 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां पे उनकी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और फिर ठीक 1.5 साल बाद नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और 2017 में फिर से एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा थे। फिर 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और अपनी सरकार एनडीए के साथ मिलकर बनाई, लेकिन ठीक 1.5 साल बाद नीतीश कुमार ने फिर से अपना पासा पलटा और अगस्त 2022 में महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। लेकिन फिर 2023 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और फिर एनडीए में जाकर शामिल हो गए। अब देखना है नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारते हैं या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए के साथ ही लड़ते हैं। ये तो कहीं ना कहीं पक्का है कि यह भी डिसाइड नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद ही करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनती है तो वो पक्का एनडीए के साथ 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और यदि 2024 एनडीए लोकसभा चुनाव हार जाती है तो नीतीश कुमार जरूर महागठबंधन का रुख करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना, बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ, और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ